सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो टर्म वन में क्लास टेंथ में आपके आने वाले हैं। तो हमने रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड यस अब हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, जो हमने पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहां पर एक चीज दिख रही है, ध्यान से सुनिए। यह है वर्ड प्रॉब्लम ट्रिक्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये क्लास आप लोगों ने मिस कर दी तो आप लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप प्लीज इस क्लास में रहिए, इस क्लास को देखिए। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जो आप लोगों को काफी टाइम लगाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसकी मैं ट्रिक्स लेकर आ रखा हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने जितने भी आप लोगों के दोस्त लोग हैं उनको प्लीज शेयर कर दिए इस क्लास को, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो ध्यान से सुनिए, अब हम करते हैं यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम का सबसे नंबर वन क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, आप लोगों को मैंने बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो क्वेश्चन नंबर वन उसी पे बेस्ड है। ध्यान से सुनिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास तीन से चार मेथड होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। हमारे पास एज्यूम मेथड, और आप लोगों के पास वाई ऑप्शन मेथड, और एक चीज और होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और एक ऑप्शन आप लोगों के लिए और होता है वैल्यू पुट मेथड। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर मैं डालता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी क्लास है आप लोगों की। चलिए, तो देखिए आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए अबोट, ठीक है, अबोट मैन रोज इज बोट 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देखिए इसकी इक्वेशन बहुत बड़ी बनने वाली है, पर हम इक्वेशन तो बनाएंगे लेकिन उसको सॉल्व इतने आराम से करेंगे आप लोग खुश हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, ध्यान सुनिए, मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आप देखिए क्लास हमारी जो सेकंड क्लास है, ठीक है, जो YouTube जब मैंने स्टार्ट किया था उसकी सेकंड क्लास आप लोगों की बोट एंड स्ट्रीम की है। मैं आई बटन आप लोगों को देता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ध्यान से सुनिए, मैं कुछ शॉर्ट में बताऊंगा। पहले स्पीड ऑफ बोट आप लोगों की इन स्टिल वाटर क्या होती है, यहाँ ध्यान से सुनिए, स्टिल वाटर में आप लोगों की स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, ये सबसे जरूरी चीज है। ये होती है x, जो कि हमें यही निकालनी है, जिसको मैं लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम, देखिए आप लोगों की स्ट्रीम होती ना, जो धारा जिसको मैं कहता था धारा, स्ट्रीम, या फिर कभी कभी आप लोगों को करंट भी दे दिया होगा, ठीक हो गया। ध्यान से सुनिए, ये वो होती है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर मैं इसको क्लास को, चलो इसमें मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ, इसीलिए नेक्स्ट क्लास हमारी एक और जाएगी अभी पार्ट थ्री करके, ठीक हो गया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक्स हैं, इसलिए मैं लेकर आया। ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं डाउनवर्ड जाऊंगा, देखिए अपवर्ड, मैंने आप लोगों को बताया था अपवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड स्पीड क्या रहेगी, अपवर्ड की जाऊंगा तो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। और अगर मैं डाउनवर्ड की तरफ जाऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया था कि x प्लस वाई होती है, ठीक हो गया। ये क्या है स्पीड, ठीक है, ये है आपकी स्पीड, ठीक है, अपवर्ड में इन दोनों की, ध्यान से सुनिएगा, ठीक हो गया। तो अपवर्ड स्पीड ये होती है, डाउनवर्ड स्पीड ये होती है। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन में, देखो आप लोगों को क्या दिया है, देखो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, उसके बाद उसको सॉल्व करने में जो आपको टाइम लगता है वो टाइम आज नहीं लगेगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। तो बिना इक्वेशन सॉल्व करते होगा भी नहीं, ठीक है, मतलब इक्वेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें एक चीज आपको बताने वाला हूँ, देखिए एज्यूम मेथड क्या होता है। चलिए, तो देखिए यहां पर आपको दे रहा है कि 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर्स, इट मींस आप लोगों को टोटल टाइम दे रखा है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जाने में। सो ध्यान से सुनना, यहां पर आप देखिए इसको मैं टी लेके टी यू ले लेता हूं जो कि टाइम इन अपस्ट्रीम, इसको टी डी ले लेता हूं जो कि टाइम इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। आप लोग देखिए अच्छे से, आप लोगों को एक समझ में आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना है 12 आवर्स। अब देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया, आप लोगों को डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का रिलेशन पता होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अगर मैं टाइम निकालूं तो डिस्टेंस ये यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए अगर आप स्ट्रीम का मुझे टाइम निकालना है, आप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, तो मुझे डिस्टेंस किसकी चाहिए होगी, ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ठीक है, टाइम अगर आप स्ट्रीम का है तो डिस्टेंस भी आप स्ट्रीम की और स्पीड भी आप स्ट्रीम की। तो यहां पर अगर देखिए डिस्टेंस ऑफ आप स्ट्रीम कितनी है आप लोगों की, ध्यान से सुनिए, यहां पर 35, मजा आने वाला है दोस्तों, प्लीज इस क्लास में रहिएगा, अगर भाग्य तो नहीं पाएगा। स्पीड स्पीड ऑफ आप स्ट्रीम, तो आप स्ट्रीम क्या है आपकी, देखिए यहां पर
एक्स माइनस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना है देखो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखिए समझाने में आपको टाइम लग रहा है, आप क्लास में रहिए, अच्छे से होगा, मस्त तरीके से हम करेंगे इसको। सिमिलरली ध्यान से सुनिए, अगर मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊं आप लोगों को पता लग जाएगा, ये मेरी अगर पहली इक्वेशन है, अगर मैं दूसरी इक्वेशन भी इसी तरीके से बनाऊं तो दूसरी इक्वेशन में देखिए ही कैन रो 30 किलोमीटर, अगले वाले में यहाँ पर 30 है, नीचे ये है टोटल टाइम है ना आप लोगों का, और ये है आपका 44, ये आप लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आ जाइए जी, अब आप यहाँ से मत कहीं मत जाइएगा, ठीक है, आधा देखकर प्लीज कहीं मत जाइए, इसको देखिए मैं क्या कराने वाला हूँ। देखिए कितना टिपिकल है, इसका एलसीएम लेके उस साइड रखना, इसके एलसीएम लेके उस साइड करना, इसको सॉल्व करना, ध्यान से सुनिए यहाँ पर प्लीज, इस क्लास में रहिए, मैं क्या कह रहा हूँ देखो यहाँ पर अगर हम देखिए ये क्या है 12 आवर्स, ठीक हो गया, यहाँ पर है 12 घंटा, ये टोटल टाइम है आप लोगों का, ये भी टोटल टाइम इक्वल टू 10 आवर्स है, ठीक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो जल्दी से जल्दी मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट आपको रफ करता हूँ, आप लोग प्लीज इसको देख लीजिए, ठीक हो गया। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेस नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमें x निकालना है, बस हमें पता लग गया x निकालना, क्योंकि x क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक हो गया। ध्यान से सुनिए, बड़े मजेदार है, देखिए एक चीज आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी यहाँ पर, ध्यान सुनिए, मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए, एज्यूम के साथ साथ सेटिस्फाई भी करूंगा, एज्यूम के साथ साथ सेटिस्फाई करूंगा, क्या मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने में 12 आना चाहिए, क्या कहा मैंने, यहाँ पर इसको देखो, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे काटना है, इसको इससे भी काटना है, और मुझे 12 लाना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या करूंगा, इस 35 के, ध्यान सुनिए, यहाँ पर मैं 35 के अगर मैं आपको फैक्टर कहूँ तो 5 × 7, ठीक हो गया, इस 55 के फैक्टर कहूँ तो आप लोग क्या कहेंगे, 11 × 5। तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखिए 5 रखते हैं, देखिए इस x माइनस वाई की जगह पे अगर आप लोगों ने, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर 5 रख दिया इसकी जगह पे, देखिए ये क्या रखा आपने 5, ठीक हो गया, और इसकी जगह पे आप लोग देखो ये क्या था 55 था ना, 55 को देखकर आप लोगों ने क्या रखा 11, तो यहाँ पर अगर मैं 11 रखता हूँ, क्लियर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का, क्या कहा मैंने, इस x प्लस वाई की जगह मैंने 11 रखा, क्यों रखा मैंने 55 के फैक्टर तोड़ के देखा कि यहाँ पर 11 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 11 रखा, यहाँ पर मैंने 5 रखा, ठीक हो गया, ध्यान सुनिए क्यों रखा, 7 भी रख सकते थे, बट सेटिस्फाई करनी है तो सेटिस्फाई ऐसे होगी, देखिए मैंने क्या किया, x माइनस वाई की जगह पर 5 रख दिया। अब देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आइए, मैं अगर इसको 5 7 जा काट दूं, यहाँ पर 11 5 जा काट दूं, ध्यान से सुनना मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए तो 7 + 5 आप लोगों का 12 मिल चुका है, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये आंसर भी आप लोगों का कहीं ना कहीं आ चुका है। तो अगर मैंने x माइनस वाई की जगह यहाँ पर 5 रखा है, तो आप लोग यहाँ पर भी x माइनस वाई की जगह पे कितना रखेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप 5 रखेंगे और यहाँ पर भी आप लोग 11 रखेंगे, तो सेटिस्फाई करिए इस कंडीशन को, क्या सेटिस्फाई हो रही है, जी हाँ, अगर मैं 5 बन जा, देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 6 जा 30 करता हूँ, मेरे जो पेन चल रहा है, मेरा मार्कर चल रहा है, उसको भी देखना साथ साथ 11 4 जा, ठीक हो गया। देखिए अभी आपको हॉटवर्क लग रहा है, बीच में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा, ठीक हो गया। तो देखिए 6 और 4 आपस में प्लस हो गए 10 बना रहे हैं, 7 और 5 आपस में प्लस हो गए 12 बना रहे हैं, कितना मजेदार क्वेश्चन है, देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर से हो गया, ध्यान से सुनिए यहां पर। अब क्या करेंगे आप, जो आपने एज्यूम किया था उसको यहां लिख लीजिए, आप लोगों ने एक्स माइनस वाई की जगह पर क्या लिया था 5 और एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या लिया था 11, ठीक हो गया, इसको आप सॉरी हाँ सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, जल्दी जल्दी जाइए उस क्लास में, प्लस माइनस माइनस होता है कट गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 2x, और x की वैल्यू यहाँ पर से आप लोगों को 8 मिल चुकी है, देख लीजिए। अभी तो हमने बताने में टाइम लगाया, अगर मैं इक्वेशन को भी बताने में टाइम लगाता मानो ना मानो 20-25 मिनट की क्लास पूरी जाती, तो देख लीजिए आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने है। सो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 8, ध्यान से सुनिए, तो ए इज द ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, तो प्लीज इसको आप अप्लाई कीजिए अपने जितने भी आप लोगों को एग्जाम होने वाले हैं अभी। चलिए काफी टाइम ले लिया इसने, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको करना ही इस तरीके से है कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए हमने आप लोगों को पता है ना 35 का फैक्टर 5 × 7, अगर आप 7 लेते हैं यहाँ पर, देखिए 7 लेते हैं, 7 5 जाए तो यहाँ पर 5 आता, और 11 5 जा कितना होता है यहाँ पर 5, तो 5 + 5 आप लोगों को 12 हो रहा है, लेकिन नहीं 5 + 5 = 10 हो रहा है, तो यहाँ पर 12 चाहिए, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर रखा है, ठीक हो गया। ध्यान से सुनना आप, कितना अच्छा मेथड है, देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें हम एक चीज और, अब एक ट्रिक और है, फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन पर ट्रिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग यहां पर से y की वैल्यू भी निकाल लेना, ठीक है, अब आप लोगों ने काफी पढ़ लिया है,
तो टाइम लग गया है, कोई बात नहीं, चलो 5 क्वेश्चन हम करके रहेंगे, अदरवाइज देखते हैं लंबी जाएगी तो छोड़ के हम अगली क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास हम पूरी लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, इट वुड हैव 2 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम, ठीक हो गया। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। भैया देखो क्या है लिखा है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो चलिए करते हैं ना, कैसे नहीं आ रहा समझ में बताइए। देखिए आप लोग एज्यूम कीजिए डिस्टेंस, ध्यान से नहीं, यहाँ पर आप लोग अज्यूम कीजिए कि अगर उसके पास ना ही वो स्पीड बढ़ाई हो ना उसकी स्पीड कम हुई हो, तो उस समय उसकी स्पीड, यहाँ से ध्यान से सुनिए, लेट स्पीड मान लीजिए आप लोग x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम मान लीजिए आप लोग y आवर्स, ठीक हो गया, ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ आप लोगों का क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, इसको मैं फॉलो करूँ, ठीक हो गया, इसको मैं अगर फॉलो करूं, ध्यान से सुनिए, पहली कंडीशन के लिए इसको मैं अगर फॉलो करूं, पहली कंडीशन के लिए सिर्फ, देखिए अब यहां पर सिर्फ पहली कंडीशन के लिए फॉलो करके इतने मजे से आएगा आंसर, आप लोग देखिए यहां पर, ठीक हो गया। तो यहां पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, इफ द ट्रेन, अच्छा डिस्टेंस कितना, देखो अब डिस्टेंस देखूंगा तो स्पीड इंटू टाइम, इसके हिसाब से स्पीड इंटू टाइम, तो यहां पर मैं एक्स इंटू वाई लिख सकता हूं इसकी जगह पे। स्पीड देखिए अब क्या हुआ, स्पीड अगर क्या कह रहा है 10 किलोमीटर आवर बढ़ा दी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो टाइम जो है y वो आप लोगों का 2 घंटे कम हो गया, ठीक हो गया, 2 घंटे कम हो गया। स्पीड अगर देखिए 10 किलोमीटर आवर फास्टर मतलब बढ़ा दी, तो टाइम 2 घंटे कम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर से हम क्या करेंगे, ऑप्शंस लीजिए, बाय ऑप्शंस हम इसको सॉल्व कर लें क्या, बाय ऑप्शन की तरफ जाएं हम, देखिए मजा आ जाएगा। x और y देखिए डिस्टेंस हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग देखिए, अगर ध्यान से सुनिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, तो पहले मैं वही आंसर आपको उसका कराता हूं जो आने वाला है, वही ऑप्शन लेता हूं, फिर आप अगले लीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए यहां पर मैं क्या कराने वाला हूं। यस अगर मैं डिस्टेंस देखिए, अगर मैं 600 लूं, जो कि कितनी है यहां पर, x into y है कितना 600, तो ध्यान से सुनिए गौर से सुनिए, अगर देखिए x और y जो 600 जो है x और y में टूट रखा है, ब्रेक हो रखा है, टूट रखा है, ब्रेक हो रखा है, ठीक हो गया, x और y क्या है आप लोगों का, ब्रेक हो रखा है, तो मैं अगर इस 600 को ब्रेक करूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं 50 को 12 से, ध्यान से 12 5 का 60 होता है, 0 का 0 ऐसे रहा, देखिए अगर नहीं आता ब्रेक करना, इस 0 को छोड़ दीजिए आप लोग, अभी 60 के लिए देखिए 12 5 60, अब एक आपको 0 लगाना है, आप यहां लगा दीजिए 0, तो 12 60, तो देखिए मैंने ब्रेक कर दिया भैया, 600 को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस था, जिसमें क्या है एक स्पीड है, एक क्या है टाइम है, मिल चुका है आप लोगों को, देखिए क्या है यार कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक हो गया। x तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको x ले लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, अरे देखो कितना मजा आ गया इसमें, तो अब x और y मिल चुका है, सेटिस्फाई करिए यहां पर, इसको सेटिस्फाई करिए, प्लीज सेटिस्फाई करिए यहां पर, सेटिस्फाई इक्वेशन 1, तो प्लीज आप लोग इसको सेटिस्फाई करना सीख लीजिए आज से, तो सेटिस्फाई करना सीख लीजिए, सेटिस्फाई इक्वेशन 1, ठीक है, बाय पुटिंग x और y की वैल्यू, अगर x और y की वैल्यू यहां रखते, देखिए यहां x की वैल्यू रखी कितनी 50, यहां रखी y, y की वैल्यू कितनी 12, 50 इंटू 12 600, तो क्या ये वाला हिस्सा आपका 600 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को चेक करना है, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो हम कर लेते, देखो इस साइड में क्या रखता हूं, देखिए ये तो आपको पता है कितना रहा, आप ध्यान सुनिए, इसको मैं रखता हूं, देखिए यहां पर, यहां रखता हूं 50, देखिए 50 प्लस 10 और यह आ गया 12 माइनस 2, तो देखिए यहां पर यह आ गया 60 और यह आ गया 10, क्या 60 इंटू 10 आप लोगों का 600 नहीं बनाता है, बनाता है, तो अगर मैं x और y की वैल्यू, ये वाली x और y की वैल्यू यहां भी रखूं तो चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा भैया, और आंसर भी आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कितना हो गया आपका सी। फ्रेंड्स एक बार जरूर बता दीजिए कैसी लगी है क्लास आप लोगों को प्लीज, ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आप लोग जरूर मुझे बता दीजिए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अभी भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पर, ठीक हो गया, तो 2 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, ओके, तो वॉइस क्लियर है, ठीक है, बाय ऑप्शन देखिए करें, अब ध्यान से सुनिए, अब बच्चों के दिमाग में आएगा भैया हम कैसे मान लें कि हम तो 600 हमने मान लिया, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर करना क्या है आप लोग,
एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पर आप 50, हाँ एक ऑप्शन आप लोगों का 50 भी है। अब भैया देखो 50 में, चलो आप लोगों का 50 है तो मैंने 50 50 करके आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो 50 को अगर आप लोग करने लग गए ना, तो 50 के फैक्टर करोगे तो क्या होंगे, देखिए 25 × 2 होता है, ठीक है, बड़ा फैक्टर 5 5 2 करके जाना। तो हमें तो दो चाहिए ना, देखिए दो वैल्यूज चाहिए क्योंकि एक्स और वाई चाहिए। यहाँ पर इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो मुझे बताइए यार, आप लोग खुद बताइए, मुझे बताइए एक चीज, मुझे बताइए क्या ये सेटिस्फाई कर सकती है इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को। टू मैंने यहाँ रखे, 2 − 2 = 0 हो गया। लो भैया मैं कराऊंगा ही नहीं इसको, ए ऑप्शन तो खत्म, ए ऑप्शन खत्म। बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ध्यान से, यहाँ पर कितना है आप लोगों का, बी ऑप्शन आप लोगों का कितना है 300। अब देखिए 300 को भी ब्रेक कर लीजिए, अगर आप नहीं मानते मेरा कहना तो 30 × 10 में कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 रखिए, 30 + 10 ठीक हो गया। अगर इसकी डिस्टेंस ही 30 है तो क्यों, तो ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना ये वाली इक्वेशन। तो 30 + 10 कितना, यहाँ पर देखिए इसको 30 + 10 यहाँ पर अगर 40 और 10 − 2 8, तो 8 × 4 कितना हो रहा है, 320 हो रहा है। भैया नहीं, नॉट सेटिस्फाई, होना चाहिए था 300 आना चाहिए था, अगर 300 आ जाता तो आंसर नहीं होता, बताइए। तो चलिए देखिए आप लोगों का हो चुका है, तो इसी तरीके से आप लोगों को मैं करवाना चाह रहा था तो मैंने करवा दिया है। इक्वेशन बनाना ही नहीं है, एक इक्वेशन बनाइए सेटिस्फाई कीजिए, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों का काफी मजेदार है, इसकी ट्रिक मैंने खुद बना रखी है, ठीक है। ये जितनी ट्रिक्स थी अभी तक तो आप लोगों की जो है कहीं ना कहीं आपको मिल सकती है, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को नहीं समझाएगा कोई, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। चलिए चलिए मजा आ जाएगा, चलिए चलिए जल्दी आइए, एक एक क्वेश्चन आप हम लोगों के लिए बहुत कीमती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, मैं एक को करा देता हूँ, चलो करा ही देता हूँ। देखिए ये होता है वैली पुट मेथड। देखिए एक लड़का है आप लोगों का, उसका नाम है अरुणा, सॉरी लड़की है, हैज ओनली ₹1 और ₹2, एक रुपीस, देखिए ₹1 के कुछ कॉइन्स है, ₹2 के कुछ कॉइन्स है, ठीक है, विद हर। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज ₹50। देखिए टोटल कॉइन्स उसका 50 है, तो ध्यान से सुनिए, मैं यहां पर लिख देता हूं ₹1 के उसके पास एक्स कॉइन्स है एंड ₹2 के ही हैज अदर सी हैज वाई कॉइन्स, ठीक हो गया। ₹1 के एक्स कॉइन, ₹2 के वाई कॉइन्स हैं। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर मैं टोटल कॉइन्स की इसने बात करी, टोटल कॉइन्स कितने होंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इफ अगर कॉइन्स तो 50 है लेकिन अमाउंट में हमारे पास रुपीज कितने हैं, 75। तो ध्यान से सुनिए, एक्स रुपीज, एक्स कॉइन्स है और ₹1, ठीक है। मतलब अगर मान लो 10 कॉइन्स है ₹1 के, तो कितने कॉइन्स होंगे, 10 × 1 ₹10, सॉरी कितने रुपीज होंगे, 10 × 1 ₹10। तो यहां पर से मुझे बताइए, अगर मैं रुपीज में निकालूं तो मेरे पास एक्स रुपीज प्लस तो यहां पर ये हो गया रुपीज वाई, सॉरी वाई नहीं, 2y, ठीक हो गया। कैसे, चलो इसको नहीं लिखते हैं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है यहां पर, तो एक काम करते हैं, यहां पर आप लोगों का ये एक्स, देखिए दो कॉइन है, ₹1 के दो कॉइन है, ₹1 की दो कॉइन, तो कितने कॉइन्स, कितने रुपीज, 2 × 1 ₹2, ऐसी ये ₹1 के एक्स कॉइन्स, कितने रुपीज हो गए, एक्स रुपीज, तो ऐसी ₹2 के वाई कॉइन्स, तो कितने रुपीज, 2 × 2 y₹2। अब रुपीज में कितना दे रखा आप लोगों को, 75। सेटिस्फाई कर दीजिए वैल्यू पुट मेथड, देख लिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर कितना सिंपल दे रखा है इन लोगों ने, बी ही ऑप्शन देखिए, 25 + 25 = 50 होता है, तो यही आप लोगों का आंसर हो गया। आप लोगों को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर x की वैल्यू 25 रख के देखिए एंड y की वैल्यू भी आप लोग 25 रख के देखिए, तो क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों ही कंडीशन को, कर रहे हैं। देखिए यहाँ 25 + 25 = 50, यहाँ 25 + 50 = 50, 50 + 2 = 75, सेटिस्फाई हो चुकी है। देखिए आप अब छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है, इतना सब समझ में आता होगा। और इसको कैसे सॉल्व करना, अगर नहीं आता कुछ भी, आप लोगों को बता रखा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी प्लीज आप लोग सारी क्लास मेरी देख लीजिए, इस तरीके से इसको इससे काटते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर निकलता है। तो ये सिर्फ क्लास आप लोगों के लिए वर्ड प्रॉब्लम के ट्रिक्स के लिए है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक हो गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ ध्यान से सुनिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक हो गया, अब आएगा मजा। चलो ये देखिए, ये मैंने ट्रिक्स ऐसी बना रखी है ना आप लोगों के लिए, आप लोग दंग रह जाएंगे, भैया मैंने कैसे बना दिया इसको। तो देखिए इस तरीके से, देखिए हम चलते हैं इसकी तरफ। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ स्टार्ट कर ही देते हैं। तो भैया लोग
देखिए क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं इसकी आप लोगों को देखिए इक्वेशन ही बना के दे देता हूँ, आप लोग प्लीज इसको कर लीजिए, बट मैं तो आप लोगों को ऑप्शन बताऊंगा ना, ना सॉरी मैं तो आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से, 6 years hence a man's age will be 3 times the age of his son। ठीक है, बात आती है भैया मैन और सन की, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते हैं, मैन की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स ले लीजिए, एंड सन की प्रेजेंट एज वाई ले लीजिए। कंडीशन फॉलो करते जाइए, मुझे बताइए अगर मैं 6 साल बाद की बात करूंगा तो क्या सिर्फ मेरे फादर की ही एज बढ़ेगी या मेरी भी एज बढ़ेगी, दोनों की ही एज बढ़ेगी। तो अगर मैं आफ्टर 6 ईयर जाता हूँ, यहाँ पर 6 ईयर हैंस, ध्यान सुनिए हैंस का मतलब आप लोगों से, हैंस मतलब बाद में होता है। तो अगर आफ्टर 6 ईयर की कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा है 6 ईयर्स हैंस, तो ध्यान सुनिए 6 ईयर्स हैंस में क्या होगा, इसकी हो गई 6 साल बाद कितना हो जाएगा, देखिए 6 साल बाद दोनों, अगर दोनों देखिए दोनों में 6 6 ऐड होगा, लेकिन क्या कह रहा है 6 साल बाद जो मैन की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है सॉरी मैन की जो एज है 6 साल बाद उसके सन के 3 गुना है, तो सन भी तो 6 साल हो, 6 साल बढ़ जाएगा और कितना गुना है 3 गुना है। देखिए यहां पर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18, ठीक हो गया, यहां से एक्स माइनस 3y, सॉरी देखिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ बट अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, 12 ठीक हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ लेते हैं, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आप लोग ध्यान सुनिए, सेकंड कंडीशन आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर, सो सेकंड कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या है, अब आता है देखिए 3 ईयर्स एगो मतलब 3 साल पीछे आ जाओ, अब 3 साल पीछे भी ऐसे ही रहेगा कंडीशन, तो ऐसे ही रहेगी ना 3 साल पीछे, ये चाहे हो गई 3 साल, वो क्या है फादर 9 गुना है उसका, 3 साल पहले 9 गुना है। ध्यान सुनिए इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस का 27, तो x माइनस 9y ये आ गया आपका देखिए इज इक्वल टू 7 माइनस का 24, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करिए, मजे से करिए, अपने घर पे करिए, ठीक हो गया, इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए तो करिए, क्या है आपके 2 इक्वेशन यहाँ पर, चलो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, खाली आप लोग फिर कहेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं है ना, यहाँ पर मेन दिक्कत वो है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, दूसरी है हमारे पास x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 24, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, ध्यान से सुनिए यहाँ पर इससे कट गया क्योंकि प्लस प्लस और ये माइनस, एलिमिनेशन मेथड पे चले जाइए जल्दी जल्दी, आप लोगों को सब पता लग जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है प्लस और ये भी प्लस, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 36 और ये आ गया प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया हमारे पास देखिए ये आ गया 6y। सो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ से आपके पास 6 आ गई जो कि क्या थी हमारे पास सन की एज थी, तो y की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो y की वैल्यू 6 आप यहाँ रख दीजिए, 6 3 18 और यहाँ जाएंगे तो 30, तो यहाँ पर से आप लोग मुझे लगता है x की वैल्यू 30 आ चुकी है जो कि आंसर है हमारा, ठीक है। तो 30 ईयर्स है, चल 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 चलते हैं फटाफट इसके ऑप्शन, इसके हम ट्रिक्स की तरफ, तो जल्दी से जल्दी देखिए इसकी हम ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, ट्रिक्स क्या है इसकी ध्यान से सुनिएगा। तो इसका बेसिक मुझे बताना जरा जरूरी था तो इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन तो चलो जो भी है अभी हमको पता ही लग गया ऑप्शन क्या है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाना आप लोग, तो चलिए देखिए अब आता है, देखिए हम ट्रिक्स की तरफ पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए एक प्रेजेंटेज मान लीजिए आप लोग, ठीक है ध्यान से सुनना, एक प्रेजेंटेज मान लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर पहले ऑप्शन में जाता हूं यहां पर देखिए, इफ आई गो टू फर्स्ट ऑप्शन कितना है 28, ठीक हो गया। देखिए अगर इसकी प्रेजेंट एज ही है, पूछा प्रेजेंट एज है तो ऑप्शन में तो प्रेजेंट एज दी होगी मैन की, अगर यहां से मैं 6 साल आगे चले जाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कीजिएगा दूसरे ऑप्शन को घर पे, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट जो अपना आंसर आ गया था उस पर ही हम काम करते हैं। 30 ध्यान सुनिएगा, 30 आप लोग लीजिए, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा तो प्लीज आप लोग कर लीजिए इसको, अदरवाइज आप लोगों को जो पहला बेसिक मेथड था वो भी करिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन देखिए ट्रिक्स हमेशा कुछ टाइम तक ही अप्लाई इसलिए करती हैं क्योंकि अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी वो ट्रिक्स आपको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो एक बारे में नहीं होता है, कुछ कुछ ट्रिक्स जल्दी याद हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर बेसिक अच्छा लगता है आपको बेसिक करिए, ट्रिक अच्छा लगता है तो ट्रिक कीजिए, ठीक हो गया। देखिए यहां से मैं अगर 6 साल बाद जाऊँ आगे तो फादर की एज 36 हो जाएगी, ध्यान से सुनना, मैं 30 के आगे गया तो 36 हो जाएगी,
मुझे एक चीज बताइए, उसने कह रहा कि अगर 6 साल बाद क्या कहा उसने कि मैन की एज 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज की। अब यहां पर देखिए एक चीज आपको ये है कि ये याद रखना कि ये 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स इसमें से निकालना है बाहर। अगर मैं यहां से 3 टाइम्स बाहर निकाल दूं तो मुझे बताइए मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ 12 × 3, मैं निकाल रहा हूं ना, मेरे निकल तो रहा है 12, 3 तो बाहर निकल गया ना, 3 निकल गया। इसका मतलब ये जो था, अब ये क्या था, 3 गुना, देखिए ये 36 और ये 3 गुना इसका, तो ये कौन होगा पता है आप लोगों को, ये होगा आपका सन। लेकिन ध्यान से सुनना, ये सन की कौन सी एज है पता है, 6 साल बाद की एज है। तो 6 साल बाद की एज सन की ये है, तो 6 साल पहले की एज क्या होगी, यहां से अगर देखिए, यहां से अगर -6 ईयर्स करता हूं क्योंकि ये पहले की एज है, तो कितनी होगी 6, ये क्या होगी इसकी सन की प्रेजेंट हो गई। ये देखिए मैं यही कराने वाला था आपको, मैं यही सोच रहा था कि ये आपको आएगा नहीं आएगा, तो देख लीजिए 6 और ये 30 समझ में आ गया, ये इसकी प्रेजेंट, ये सन की क्या, सन की, ये सन की प्रेजेंट, ये फादर की प्रेजेंट, ये किसकी प्रेजेंट हो गई, फादर की। तो सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, जी हो गई है, क्यों, देखिए 3 गुना है ना, 3 गुना है इसका, 12 × 3, 3 टाइम्स को याद रखना कि 3 टाइम्स होना चाहिए वहां पर, तो 3 टाइम्स है, इसका मतलब 30 लेके हमें मिल रहा है 3 टाइम्स, तो यहां पर से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक हो गया, सॉरी क्या बोल रहा है मैंने, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर, यहां पर हम देखिए क्वेश्चन नहीं, इसके हम सेकंड वाले की तरफ चले जाते हैं, ठीक हो गया। चलिए ये तो आप लोगों को सुनना आ गया मैंने क्या कहा, ठीक है, 3 टाइम्स पर ध्यान देना है, तो 30 के बाद 6 साल और तो 36, तो 3 गुना, 3 गुना कैसे निकालेंगे इसमें से, 12 × 3, तो ये जो एज होगी ये 6 साल बाद की एज होगी सन की, तो 6 साल पहले सन कितने होगा, 6 साल का, देख लीजिए बस सिंपल है भाई। तो यहाँ पर से आप लोग देखिए सेटिस्फाई कर ली है, एक काम करते हैं हम इसकी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करके क्वेश्चन क्लास ऑफ करते हैं, तो हम क्योंकि लेंथी हो रही क्लास आप लोगों की, अगली क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगर देखिए हम इसकी दूसरी वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ध्यान से सुनना, देखिए 3 ईयर्स एगो, अब 3 साल पीछे चले जाइए, एगो का मतलब पीछे, तो मुझे बताइए 3 साल पीछे कितनी होगी, 27, ये क्या थी, ये फादर की एज थी प्रेजेंट, ठीक है, ये लो आपके फादर की क्या थी, प्रेजेंट थी, ये 3 साल पहले की है, ठीक हो क्या, 3 साल पहले की, इसको मैं यहां लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, 3 साल पहले की, ध्यान से 3 साल पहले, अब देखिए 9 टाइम्स हो गया, तो अब आती, अब आ गया 9 टाइम्स, तो क्या 3 साल पहले यहां से 9 9 निकाल सकते हैं बाहर, निकाल सकते हैं 9 × 3, देखिए तो ये तो टाइम्स है आपका, ठीक हो गया, ये क्या होगी फिर, ये सन की एज होगी, 3 साल पहले की सन की एज होगी, ये 9 टाइम्स, ये 3 साल पहले सन की एज, सेटिस्फाई होगी कंडीशन, हो गई है। तो यही देखिए इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है का करेक्ट आंसर है। देखिए 3 साल पहले, अगर आप 3 साल बाद जाएंगे तो वो उसकी प्रेजेंट एज कहलाएगी, ये सन की 3 साल पहले की एज है, सन की 3 साल पहले की एज है, तो 3 साल बाद की एज कितनी होगी सन की, 3 साल बाद की एज कितनी होगी, 6 ईयर्स, जो कि क्या होगी आपकी प्रेजेंट एज, ठीक है, सन की प्रेजेंट, ठीक हो गया, 3 साल बाद के, ठीक हो गया, 3 साल बाद, मतलब 3 साल पहले आया सन, 3 साल पहले अगर मैं 4 साल का हूं, मान लो 3 साल पहले मैं 4 साल का हूं, तो मैं आप कितने का होगा, 7 साल का, ऐसी यही सिंपल है। तो 3 साल पहले कोई 3 साल का है, तो अब कितने का होगा, 6 साल का, 3 + 3 6 ईयर्स। तो देखिए यहां पर से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स इतना ही था, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए, आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस ट्रिक्स को समझने में, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स हैं, प्लीज़ आप लोग अपने जितने भी फ्रेंड्स लोगों को उनको बता दीजिए। यहाँ पर देखिए वर्ड प्रॉब्लम की ट्रिक्स हमने कर ली है, 4 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो पार्ट 3 रहेगा आप लोगों का। तो जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए इस क्लास को, एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, जितनी भी अपडेट्स हैं मिलते रहेंगे, डेली क्लासेस हमारी चल रही हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।